हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हैप्पी मॉम चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अमेजन से न्यू होम आइटम्स लेके एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। ये प्रोडक्ट आप अमेजन के साथ साथ फ्लिपकार्ट, होम सेंटर, बिग बास्केट के साथ में अदर शॉपिंग सेंटर से भी आप नेम सर्च करके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अमेजन से बाय करने के लिए बाइंग लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए लिंक को क्लिक करके वहाँ से प्राइस को भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिली किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सिंक में यूज होने वाला यह है स्पंज ऑर्गेनाइजर रैक, जिसे आप टैब के साइड में इसे लगा सकते हैं, जिसमें आप अपने स्पंज और टॉवल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सिंक में रख सकते हैं। स्ट्रेचेबल ये है शॉपिंग बैग, जिसे सामान कैरी करने के लिए आप इस बैग का यूज कर सकते हैं। ये दिखने में छोटा लगेगा, पर इसमें बहुत सारे सामानों को आप रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। पुल आउट ये है स्टोरेज रैक, जिसमें आप एक को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इन दोनों लाइन में आप रख सकते हैं। इसे फ्रिज में और किचन काउंटर में एक को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस रैक का यूज कर सकते हैं। बाथरूम की वॉल में यूज होने वाला ये है वॉल माउंटेड टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइजर रैक, जिसमें अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें आप अपने टिश्यू पेपर के साथ साथ में बाथरूम के सामानों को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। किचन काउंटर और वॉल में यूज होने वाला ये है लिड ऑर्गेनाइजर रैक। अमेजन पे अभी न्यू पीसेस में लिड ऑर्गेनाइजर रैक अभी अवेलेबल है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी वाइज बहुत ही बेस्ट है। एडजस्टेबल ये है पेनपॉट ऑर्गेनाइजर रैक, जिसमें आप अपने पेनपॉट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसका हाइट भी आप एडजस्ट करके रख सकते हैं। पोर्टेबल एंड फोल्डेबल ये है किचन ट्रॉली, जिसमें किचन के सामानों को ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। इसमें अलग अलग बास्केट दिए हुए हैं, साथ में बास्केट को आप निकाल के वापस इसमें लगा सकते हैं। स्टील का बना हुआ ये है डो मिक्सर, जिसे आटा बनाने के लिए, आटा लगाने के लिए आप इस मिक्सर का यूज कर सकते हैं। यूनिक शेप में बने हुए ये है फ्रूट स्लाइसर, जिसे इस तरीके से आप मैंगो को स्लाइस करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। स्टील के बने हुए हैं, स्पून शेप में आपको मिलेंगे। राउंड शेप के ये है सावर कॉटन, जिसे आप कहीं भी इस तरीके से हैंग करके आप सावर ले सकते हैं। फोल्डेबल ये है रैक, जिसमें आप शूज और स्लीपर को ऑर्गेनाइज करके अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। ये काफ़ी स्पेस भी कम लेता है, और साथ में इस रैक में आप अदर सामानों को भी ऑर्गेनाइज करना हो तो घर के अदर एरिया में भी आप इसे रख सकते हैं। लार्ज साइज के ये है बैग्स, जिसमें आप कपड़ों को इसमें फिल करके ऑर्गेनाइज करके अपने वार्डरोब और बेड के नीचे रख सकते हैं, और साथ में काफ़ी स्पेस को भी आप बचा सकते हैं। इसमें इस तरीके से आप बैग को टाई करके रख सकते हैं। वेजिटेबल ग्रेटर एंड स्लाइसर, जो ट्रांसपेरेंट ग्रेटर है, इसमें अलग अलग ब्लेड्स दिए हुए हैं, जिसकी मदद से आप वेजिटेबल को अलग अलग शेप में स्लाइस एंड ग्रेट कर सकते हैं। कपड़ों को सुखाने के लिए यूनिक शेप में बने हुए ये है हैंगर्स, जिन्हें इस तरीके से आप अपने कपड़ों को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोर क्लीनिंग के लिए यह है बकेट एंड मॉप का सेट। अलग अलग आपको मॉप इसमें फ्लैट और राउंड दोनों मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक पॉट, जिसमें आप अपने खाने को इसमें स्टीम कर सकते हैं, ग्रिल्ड कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। यूनिक शेप में बना हुआ यह है डस्टबिन, जिसे बाथरूम और किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्पेशल क्वालिटी ये है कि आप गार्बेज बैग को अंदर ही टाई करके इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मिनी पोर्टेबल स्टूल, जिसमें आप बैठ के घर के छोटे मोटे अपने काम होते हैं उन्हें आराम से आप कर सकते हैं, और साथ में सामानों को भी कैरी करना हो तो इसमें आप रख के इजिली आप कैरी भी कर सकते हैं। छोटे सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यह है फोल्डेबल बास्केट, जिसमें आप अपने सामानों को अच्छे से इसमें फिल करके रख सकते हैं। इसे ड्रॉर में की और कैबिनेट में ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इन बास्केट का भी यूज कर सकते हैं। फ्रिज में यूज होने वाला ये है स्लाइडिंग रैक, जिसमें आप सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए स्लाइडिंग रैक का भी यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए टॉप में बात करते टाइम यूज होने वाला ये है सेफ्टी बेल्ट, जिसे इस तरीके से आप लगा के अपने छोटे बच्चों को बात करा सकते हैं।
एडजस्टेबल ये है फ्रूट बास्केट, जिसे आप किचन में मल्टीपर्पज यूज के लिए इन बास्केट का यूज कर सकते हैं। फुट प्रोटेक्टर सोल, जिन्हें आप नए स्लीपर और शूज में इन्हें लगा के नए स्लीपर और शूज को पहन सकते हैं। पोर्टेबल यह लैडर, जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए घर में यूज करने के लिए बनाया गया है। वॉल माउंटेड यह सीरियल कंटेनर, जिसे किचन की वॉल में अपने राइस दाल सभी को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और निकालने के लिए भी बटन के हेल्प से इजिली निकाल भी सकते हैं। वॉल डेकोर के लिए यह है ब्यूटीफुल डिजाइन में बने हुए फ्लावर के स्टिकर्स, जिन्हें आप वॉल में इन्हें चिपका के इस तरीके से अपने वॉल को बहुत ही प्यारा लुक दे सकते हैं। वायरलेस मिनी चॉपर, जिसमें शार्प ब्लेड्स दिए हुए हैं, इसे आप कहीं भी रिचार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मसालों को चॉप करने के लिए। फोल्डेबल यह क्लोथ ड्राइंग रैग, जिसे बालकोनी में आप इसे सेट करके अपने कपड़ों को ड्राई करने के लिए इस रैग का यूज कर सकते हैं। इनरवेयर ऑर्गेनाइजर बॉक्स, जिसे अपने वार्डरोब के नीचे एरिया में इस तरीके से आप अटका के इस बॉक्स में अपने इनरवेयर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें अलग अलग सेक्शन दिए हुए, साथ में इसे इस तरीके से पार्टीशन भी आप कर सकते हैं। सिरामिक के बने हुए यह क्यूट से प्लेट, जो अलग अलग कलर में आपको मिलेंगे। बाथरूम में और बाथरूम के सामानों को टिश्यू पेपर इन सभी को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यह स्लिम रैक, जिसे आप पोर्टेबल करके रख सकते हैं। साथ में ये स्लिम रैक को आप कम स्पेस पे जहाँ भी होता है वहाँ भी इसे सेट करके रख सकते हैं। क्यूट सा यह स्मार्ट गैजेट, जिसे स्टैंप लगाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। बाथरूम के कॉर्नर में यूज होने वाला यह है रैक, जो ट्रायंगल शेप का है। इसमें एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन के लिए इसमें होल भी दिए हुए हैं और इस सिलिकॉन का बना हुआ है। इसे आप सेल्फ एडहेसिव करके बाथरूम की वॉल में बाथरूम के सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस रैक का यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी इन्फ्यूजर, जिसमें ग्लास का सेट है, साथ में स्टैंड भी दिया हुआ है। सिलिकॉन के बने हुए यह हॉटपॉट होल्डर, जो डॉग शेप में है, इन्हें इस तरीके से आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूट से यह है मेकअप बॉक्स ऑर्गेनाइजर रैक, जो मल्टी कलर में आपको मिलेंगे। इसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल में अपने कॉस्मेटिक सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू टीयर का यह है डिश रैक, जिसमें कवर भी दिया हुआ है। इसे आप सिंक के साइड में अपने डिशेज बाउल इन सभी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अमेजन के न्यू कलेक्शन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।